2013 में देख ली सभा को, 2013 में देख ली। मतलब ओबीसी कह रहे ओबीसी की सीटों पर तो जमानत जब्त होगी, कह रहे नहीं होगी जमानत जब्त। आप 10 मार्च नजदीक है, सबके सामने रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। जो पुराने कार्यकर्ता सरकार हमने देख ली गुंडागर्दी, और देखिए मुजफ्फरनगर दंगा कैसे जनता मुजफ्फरनगर छोड़ दिया। सेफाई में जाके मस्ती कर रहे थे, वहाँ पर बैठे सबके सब मस्ती कर रहे, सेफाई में बैठ के मुजफ्फरनगर देखने भी नहीं आए थे। जो झोपड़िया बनाई थी उनको भी बोल्टे चलवाया था। सफाई में तो मस्ती होती है, गुंडागर्दी होती है। सर आप देवबंद की बात, अगर हम बात कर रहे हैं इश्यूज पे, इश्यूज पे मुसलमानों के लिए कोई भी पार्टी नहीं बोलती, लेकिन जो टिकट की तकसीम हुई है, कह रहे बोल तो रहे ओवैसी, और कौन बोलेगा? ओवैसी बोले, लेकिन टिकट कैसे लोगों को दे रहे? अभी 5 साल ग्राउंड पे रह करके काम कीजिए, 5 साल यूपी के अंदर रहिए, काम कीजिए, जमीन पर उतर कर सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बोलना हल नहीं है, मुसलमान इश्यूज के ऊपर बात कीजिए, उसके बाद वोट की मांग कीजिए। अगले 7 सालों के बाद एसपी ने किसका टिकट दिया? मुआविया को तो नहीं दिया। अगर मुसलमानों को साथ लेकर रहना चाहता है, मुसलमानों का साथ लेकर रहना चाहता है तो मुआविया को टिकट क्यों नहीं दिया और दूसरे को टिकट दे दिया? कह रहे हैं मुआविया को टिकट दिया नहीं, अगर मुस्लिमों की इतनी चिंता है कार्तिक को दे दिया। सर हर एक मिनट अलग अलग समीकरण, उनको मुस्लिम वोट भी पूरा नहीं मिल रहा था पिछले। अच्छा भाई, असल में माविया तो है अच्छा आदमी है, लेकिन उनके लिए कोई समीकरण नहीं बन रहे थे। उनके पास जो है वोट नहीं था, वोट बैंक जो है कार्तिक राणा के पास है, क्योंकि उनको जो है मुस्लिम प्लस गुज्जर और प्लस जो उनके अपने ठाकुर लोग हैं वो है, और जो ब्रजेश से नाराज है वो हिंदू लोग भी उनको वोट दे रहे हैं, तो इसलिए समीकरण बन रहे हैं। क्योंकि माविया के खिलाफ जो है वोट वो नहीं बन रहा था, लेकिन माविया भी अच्छा आदमी है, वोट ठीक है। माविया का समीकरण नहीं बन रहा था। अरे भाई माविया को अगर देता तो फिर तो मुसलमान साथ रहते, माविया को हटा भी नहीं है क्या मुसलमान? आप मुसलमान तो साथ है सब साथ। अरे भाई उमर मदनी जो है ना अच्छे खानदान से है, सब पहचानते हैं, सब जानते हैं, जो जानते नहीं इनसे हमें क्या मतलब है? हम जो जानते हैं बस आप किसको वोट दे रहे हो? हम जिस हम यहाँ पढ़ते हैं बस, हम इसके बारे में जी। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है जी। आप किसकी सरकार बनवा रहे भाई? सरकार जो है 100% गठबंधन की सरकार बन रही है, माननीय जैन चौधरी और अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं। देखिए मैं बताना चाहूंगा भाई, 2013 दंगे की बात कर रहे थे, 2013 दंगा जो करवाया था वो भाजपा के लोगों ने करवाया था। आज जो कानून जो सरकार सपा की थी क्या कर रही थी पुलिस? क्या कर रही थी? अरे सपा सरकार, मैं बताना चाहूंगा जो कानून जो दो सपा वाले खड़े हैं सारे ओवैसी जो जो गुजरात के जिम्मेदार मोदी है, तो मुजफ्फरनगर जिम्मेदार अखिलेश क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे जब भाजपा विपक्ष में होती है तो दंगा कराती है, भाजपा जब विपक्ष में होती है दंगा कराती है, सपा जब सपा की जब सरकार थी तो भाजपा ने दंगा कराए थे, सपा की जब सरकार थी तो भाजपा विपक्ष में रहते हुए दंगा कराती है सरकार को बदनाम कराने के लिए। ये भाई भाई एक मिनट, 2013 में दंगा हुआ, ये भाई कह रहे हैं किसकी सरकार थी? सपा की थी, सपा की थी, सपा की थी। तो मुजरा देखने से भाई मैं किसने कहा था उन्हें मुजफ्फरनगर क्यों नहीं आए? मैं वो तो क्या उनका प्रोग्राम पहले से चल रहा था, दंगा हुआ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्राम करना है, बाकी कहीं आग लगा किसी। तुमने कर्नाटक का सुन लिया? यहाँ पर एक आवाज आ रही, आवाज खूब आ रही, इंशाल्लाह सरकार बना रही गठबंधन की। ये तो सब एक टाइम ओवैसी ओवैसी कुछ नहीं करना, उत्तर प्रदेश में ओवैसी का कोई नहीं, बताओ 100 सीटों पे बताओ 100 सीटों पे सरकार बन जाएगी का? बन जाएगी का? बन जाएगी का? मैं चैलेंज करता हूँ, और उत्तर प्रदेश में 5 सीटें भी निकालते मेरा चैलेंज ले जाओ। गुलाम जी से बड़े मदन साहब, सौ गठबंधन की सरकार बननी, यहाँ पर विधायक कार्तिक के राणा जी बनने हैं। भाई यहाँ पर सपा की एक तरफा जीत हो रही है, भाई साहब बिरादरी जैन चौधरी और अखिलेश अब के सरकार बना रहे हैं, और बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। मुस्कान के लिए कौन बोले? एसएस साहब बोले ना, बोले ना एसएस साहब बोले, क्यों नहीं अखिलेश क्यों नहीं बोले? उन्हें आवाज नहीं आती, सुनो अखिलेश यादव को आवाज नहीं आई तो उन्हें वोट भी नहीं गई, वोट भी नहीं जाएगी उनको। अखिलेश असदुद्दीन वैसे क्या मुस्लिम है, सिर्फ राजनीति कर सकते हैं अकेले मुस्लिम है? ये भाई साहब जो देखिए गुंडागर्दी देखिए, बोलने नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे। अरे भाई असद वाले गुंडे असदुल्ला।